फेस 3B1 विखे श्रोमणी अकाली दल वल्लों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस अते SYL मुद्दे दे उत्ते कीता अपना स्टैंड क्लीयर। कहा मुख्यमंत्री वल्लों सदी गई 1 नवंबर नूं बहस दे विच श्रोमणी अकाली दल हिस्सा नहीं लवेगी। श्रोमणी अकाली दल 1 नवंबर नूं लुधियाने वाली हो रही बहस दे विच हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वह बहस जिहड़ी आ केवल ते केवल पंजाबियों नूं लीरो लीर कर लई केजरीवाल की साजिश आ। असीं केजरीवाल की पंजाबियों नूं वंडण की साजिश का हिस्सा नहीं बणांगे। आपसी सिंह फसाउण की थां आपसी जुंडो जुंडी होण दी थां सानूं जिन्हां ने पानी ते डाका मारिया सानूं उहदे विरुद्ध लड़ाई तैयार करन दी लोड़ सी। इह मतलब उल्ट आपस विच लीरो लीर हो के पानी लुट्टण वालिआं नूं बचाउणा चाहुंदे ने। मतलब इह किसे तरहां भी पॉसीबल नहीं हो सकदा कि असीं पंजाबियों नूं फुट पाउण वाली साजिश का हिस्सा बणीए। इसे करके दूजी गल इह वी आ वी 1 नवंबर नूं SYL का सर्वे करने वाली जिहड़ियां टीमां आ रही ने असीं उन्हां का विरोध करना, यह भी एक साजिश का हिस्सा कि उही दिन चुनिया इन्हां ने। और असीं SYL का सर्वेखण कर रही टीमों लूहण खड़ दे कोल जिथे SYL शुरू होंदी है कीरतपुर साहब लवे तो उधर कपूरी लवे जिथे खत्म होंदी आ पंजाब की हद ते ये थावां ते असीं अपनियां उड़न दस्ते तैयार करके उन्हां सर्वे टीमों पंजाब की धरती से पैर नहीं पैण देना, क्योंकि भगवंत मान होरां ने जिहड़ी इह बहस रखी आ इह केवल ते केवल पंजाब दे विरोध विच इक केंद्र दी जिहड़ी केजरीवाल साहब दी जिहड़ी साजिश आ उहनूं पूरा करन लई आ। मतलब असीं तां उहनां नूं पुछणा चाहुंदे सी उहनां दे घरे म्यूचुअल डिस्कशन करके और अपना पक्ष दसण ते उहनां दा पक्ष जाणन लई कि किस मजबूरी तुसीं रातों रात सरकारी वकील बदलता, तुसीं किस मजबूरी विच सुप्रीम कोर्ट दे विच तर्क देण दी थां रिपेरियन ला का पक्ष देने की थान तुम विरोधी पार्टियां निशाना बना के पंजाब फौज सदन का एक राह बना के आए हो। असं यह भी पूछना चाहते जी कि पंजाब दी सरकारी कोठियों क्यों पंजाब विरुद्ध प्रचार करवाया, तो अभी यह भी पूछना चाहते सी कि तुम खट्टर साहब की हाजिरी के जो खट्टर साहब अपनिया सियासी धिर की प्रशंसा करते रहे तो मान साहब पंजाब दी सियासी धिर कोसते रहे। मतलब एक सवाल असी उन्हां नूं जरूर जानना चाहुंदे सी कि किस मजबूरी विच तुसी पंजाब विरुद्ध स्टैंड लै रहे हो, ते अपना उन्हां दा पक्ष जानना चाहुंदे सी अंदर बैठ के। पर अफसोस आ कि उह आप घर छड्ड के चले गए, पंजाब छड्ड के चले गए। सो इस लई अज असीं समझदे हां कि जिहड़ी 1 नवंबर दी बहस आ इह कोई नतीजे नहीं कढ सकेगी सार्थक, इह केवल पंजाबियां नूं लीरो लीर करेगी। लोड़ आ पंजाबियों नूं इक जुड़ता इक मुड़ता इक सुरता लियाउण दी। असीं तां अपील भी करदे हां समुचे पंजाब वासियां नूं कि उह भी अपने उड़न दस्ते तैयार करन, उह भी अपनियां टीमां तैयार करन, उह भी पंजाब दी धरती ते सर्वेखण टीमां नूं पैर ना पाउण लई साडा साथ देण, जिवें 1982 दे विच इतिहास दोहराया सी। और इतिहास दोहराया जावे जिवें 1982 विच कपूरी मोर्चे वे सारा पंजाब इकट्ठा होया सी केवल कांग्रेस तों बिना। अज वी असीं चाहुंदे हां कि उह इतिहास दोहराया जावे। जे दिल्ली दे कुहाड़े दा दस्ता बनण वाले अपना इतिहास दोहरा सकदे ने तां उसका मुकाबला करन वालिआं नूं भी अपना इतिहास दोहराउणा पवेगा। कल सर जिवें इक सीक्रेट डॉक्यूमेंट विधानसभा दा लीक होया जिस विच साफ स्पष्ट कीता गया कि देवी लाल ते साबका मुख्यमंत्री जिहड़े मरहूम मुख्यमंत्री सी प्रकाश सिंह बादल जी उहनां वल्लों इह समझौता कीता गया सी, इस नूं आपां किस तरह देखो जिहड़ियां गल्लां रिकॉर्ड ने जिहड़ियां गल्लां दा रिकॉर्ड मिटाया नहीं जा सकदा उन्हां गल्लां नूं तुसीं मूंह जवां जवानी गल्लां करके किवें मिटा सकदे हो। इह रिकॉर्ड दा हिस्सा ਵੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ।